एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन में हमारा टॉपिक है टाटा स्टील्स। जी हाँ, स्टील सेगमेंट के अगर टोटल मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और उसका रीजन है बिकॉज ये इस सेक्टर में उछाल आया था न्यूज की वजह से, और उस सेक्टर में जो गिरावट भी आ रही है वो न्यूज बेस्ड है थोड़ी सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ये सारे स्टॉक, जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक थे वो सारे गिरने रहे, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फोकस रहेगा हमारा बाय होल्ड और सेल लेवल पे, बिकॉज हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। अगर प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा फिर आपका ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं अपने लेकर आपको एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे। एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने टाटा स्टील्स का शेयर खोल लिया है। अगर हम लोग देखें आज के कारोबार की, तो आज की कारोबार आप देख सकते हो प्री मार्केट क्लोजिंग सेशन का ये है, मार्केट थोड़ा सा बंद होने से पहले का ही है। तो डेटा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.28% की नेगेटिविटी देखने को मिली। अगर पूरे डे रेंज की बात की जाए तो 1072.50 रुपए से की लोक से लेके शुरू होता है ट्रेड और 1094 रुपए तक जाता है, यानी नियर अबाउट यहाँ पे आपको 22 रुपीज का गैपिंग देखने को मिल रहा है। अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया होगा किसी इस लेवल पे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी बना होगा। तो अब हम आ जाएंगे मार्केट की डेप्थ पे। अगर बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो यहाँ पे 26% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर बात करें डिलीवरी डेटा की, तो टोटल ट्रेड क्वांटिटी हुआ 1,38,00,000 का, और यहाँ पे अगर बात करें डिलीवरी क्वांटिटी की, तो 36,00,000 की डिलीवरी उठाई गई है। अब हम आ जाते हैं डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बहुत ही बेकार से बन रहे हैं, थोड़ा सा ये अच्छे नंबर्स के टर्म में नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा आपको शेयर के यहाँ पे लेकर। अगर हम बात करें यहाँ पे आरएसआई इंडेक्स का, तो आरएसआई इंडेक्स एक अच्छे लेवल पे, आरएसआई इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक 53 के आसपास आरएसआई इंडेक्स बन रहा है यहाँ पे। अब हम अगर आगे देखें यहाँ पे, अगर टाटा स्टील की बात करें तो 1075 का जो लेवल है, 1075, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ पे कल को, अगर जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, कल को अगर इस लेवल को, ये सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है, नीचे जाता है, तो आप शॉर्ट सेल का यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। अगर ये कहीं 1070 के लेवल को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे और आए, तो वहां पे आप थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बाकी ये लेवल बहुत ही क्रूशियल से। अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, वहां पे हम लोग कुछ डेटा एनालाइज करेंगे और डेटा देखेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ जो टेक्निकल ट्रेंड है, यहाँ पे न्यूट्रल शो हो रहा है ओवरऑल डेली बेसिस की बात की जाए, तो अगर हम आपको लेके आ जाए वीकली और मंथली और डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे मूविंग एवरेज न्यूट्रल, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल एंड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर न्यूट्रल। अगर बात करें वीकली बेसिस पे यहाँ पे, तो वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है मूविंग एवरेज बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बुलिश। अगर हम बात करें मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज बुलिश देखने को मिल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो बुलिश देखने को मिल रहा है, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट वीक तक, क्या ये जो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड बन के ट्रेंड रेटिंग वेरी बुलिश है, क्या अगले वीक तक सस्टेन कर सकता है? देखिए अगर ये 1070 के लेवल को ब्रेक करता है ये स्टॉक, तो डेफिनेट सी बात है ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर इन तीनों में से कोई डेटा बियरिश जरूर आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के फॉर द स्विंग ट्रेड। अगर हम लोग बात करें स्विंग ट्रेड लेवल के लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट के, तो सपोर्ट हमारे बहुत ही खतरनाक लेवल रेसिस्टेंस जो है, आपको पहला रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है 1129। अगर बात करें 1112.9 है। अगर हम बात करें सेकेंड रेसिस्टेंस लेवल की, तो ये आ रहा है 1202, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग सपोर्ट लेवल पे अगर डिस्कशन करें, तो 1070 पहला सपोर्ट बन के आ रहा है, ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। अगर बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो 1065 का बन के आ रहा है, और अगर बात करें थर्ड सपोर्ट लेवल की, तो 1040 का बन के आ रहा है। ये जो है सपोर्ट लेवल बहुत ही मतलब रेयर चांसेस में हो जाएगा, ये स्टॉक यही से रिवर्स करने के चांसेस बना रहा है। हालांकि इसके लिए या तो इसके अंदर कोई न्यूज आनी चाहिए या फिर कुछ और, बिकॉज रिजल्ट तो सबके आ चुके, रिजल्ट सेशन इज ओवर नाउ, तो कोई स्टील सेगमेंट या मेटल सेगमेंट के लिए कोई गुड न्यूज आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और भी आपको अगर स्टॉक के एनालिसिस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।